डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया। ट्रस्ट जो होते हैं वो मोस्टली यूरिडिनल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ट्रस्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ ट्रस्ट के जो कल्चर भी लेबोरेटरी में किए जा सकते हैं। माइसीलियम इंटरसेलुलर होता है, ब्रांच्ड, सेप्टेट विद होस्टोरिया। होस्टोरिया इसमें मिलेंगे, सेप्टेट होंगे। सेप्टम स्पेशल टाइप का होता है, इसमें सिंपल होगा, डोलीपोर नहीं मिलता, जबकि एगेरिकस वगैरह में डोलीपोर मिलेगा। और इसका डेवलपमेंट सेंट्रिपिटली डेवलपमेंट होता है इसका। दो तरह की ट्रस्ट मिलती हैं। ऑटोशियस ट्रस्ट रिक्वायर सिंगल होस्ट, हेट्रोशियस रिक्वायर टू होस्ट्स। पॉलीमॉर्फिक प्रोड्यूस जो होती हैं रस्ट, वो प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल। माइक्रो साइक्लिक रस्ट हैव ओनली वन टाइप ऑफ डाइकैरियोटिक स्पोर्स लाइक पक्सीनिया मालवेशियरम, जबकि मैक्रो साइक्लिक रस्ट होती हैं उसके अंदर दो से ज़्यादा तरह के जो डाइकैरियोटिक टाइप के स्पोर्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रेमिस। प्रोमाइसीलियम टर्म, ये एक बार पूछा गया था यूपीएससी में कि व्हाट इज प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम इज द इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द टीलियोटिस स्पोर्स। एक्चुअल में क्या होता है कि टीलियोटिस स्पोर्स के अंदर ये सिंगेमी होती है ड्रस्ट के अंदर। और जो प्रोमाइसीलियम क्या करता है, ये जर्मिनेशन के बाद इसमें जो जायगोट बनता है उसमें म्यूसिस होगा, म्यूसिस बनने के बाद एक ट्यूब निकलेगी, इसे प्रोमाइसीलियम कहते हैं। और इसके प्रोमाइसीलियम से फिर क्या होता है, बेसिडियस स्पोर्स उसके एक्जोजेनसली जस्ट लाइक कोनिडिया डेवलप होते हैं। दो तरह का बेसिडियम मिलता है, फ्रैगमोबेसिडियम एंड होलोबेसिडियम। होलोबेसिडियम यूजली एगेरिकस में मिलता है, जबकि फ्रैगमोबेसिडियम ये मिलता है मोस्टली रस्ट के अंदर। ब्लैक रस्ट, जो तीन तरह की रस्ट मिलती है इंडिया में, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। ब्लैक रस्ट ये कॉज करता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस टीटीसी। ये नवंबर में साउथ इंडिया में और मार्च में ये नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है। इसके यूरिडोस स्पोर्स जो होते हैं वो यूरिडोसराई के फॉर्म में मिलते हैं, ग्रुप में मिलेंगे, एंड दे फर्स्ट अपीयर मेनली ऑन द स्टेम्स। जबकि बाद में जो दूसरी रस्ट है इसमें स्ट्रीफॉर्मिस और रिकोंडिटा, उसकी लीव्स के ऊपर ये स्पोर्स पहले मिलेंगे। और ब्लैक रस्ट के अंदर पहले ये स्टेम पाएंगे, उसके बाद ये लीव्स और ईयर्स पे मिल सकते हैं। और इसके यूरिडोस्पोर्स में, ब्लैक रस्ट के यूरिडोस्पोर्स के अंदर इक्वेटोरियल जर्म पोर मिलते हैं जो चार नंबर होते हैं, फोर राउंड इक्वेटोरियल जर्म पोर्स, दीज आर प्रेजेंट ऑन यूरिडोस्पोर्स। और यूरिडोस्पोर्स के अंदर ओवल होंगे, ब्राउन कलर के होंगे। और इसके अंदर ब्लैक रस्ट जो है ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस करता है। जो पोस्ट्यूल्स होंगे वो लार्ज होंगे, एलोंगेटेड एंड ब्राउन इन कलर। टीलियोटोसोराई आर मेनली कन्फाइंड टू द स्टेम। टीलियोटोसोराई जो मेनली स्टेम पे होंगे, जबकि यूरिडोस्पोर्स पहले स्टेम पे मिलते हैं, बाद में लीव्स के और ईयर्स में मिल सकते हैं, लेकिन टीलियोटोसोर्स जो होते हैं मोस्टली ये स्टेम पे ही मिलेंगे। These are elongated and black in color and tilia burst होते हैं maturity में। और इसकी खास बात है कि इसके apex पर conical apex मिलेगी इसमें। Alternate host इसका Berberis vulgaris है, जबकि जो Pacinus streamiformis है उसका है Mullen bergia। और उसका Pacinia recondita जो brown rust करती है उसका alternate host है Thalioptrum। एक ये comparative यहाँ से question बन जाता है। येलो रस्ट दूसरी तरह की जो डिजीज है वीट की, वो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस करती है। जनवरी फरवरी में ये नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में अपीयर होती है, साउथ में यूजली अपीयर नहीं होती। इसके जो जो स्पोर्स होंगे वो स्मॉल ओवल और एक लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर अरेंज रहेंगे। स्पोर्ट्स इसके छोटे छोटे से होंगे और एक लंबी लंबी स्ट्रिप में अरेंज हो जाएंगे।
yellow sorai mainly on the leaf sheaths and ears. और ये यूजली स्टेम पे नहीं मिलते हैं जैसे ब्लैक डस्ट के अंदर. और इसके अंदर जो जर्म पोर्स होंगे वो 6 to 10 मिलेंगे यूरिडो स्पोर्स के ऊपर. टीलोटोसुराई एज इन ब्लैक रस्ट के अंदर एलोंगेटेड पोस्ट्यूल्स मेनली कन्फाइंड टू द लोअर लीफ सरफेस. टीलिया डोंट बस्ट, जबकि उसके अंदर ब्लैक रस्ट के अंदर टीलिया बस्ट होते हैं. Teratospores are bicelled cuneiforms and constricted at the septum. जब उसका septum होता है वहाँ से थोड़े से constricted होते हैं, conical at the apex. Alternate host इसका है Mullen Burchia. Brown rust disease जो तीसरी disease है, पहली disease black rust, second orange या yellow rust और तीसरी brown rust. Brown rust disease it is caused by peak recondita. Uridocerae are restricted on the leaves and Uridocerae these are the round scattered and bright orange pustules ki form mein hote hain. Scattered pustules milenge jabki uske andar long strip mein milengi aur uske andar pustule hi large size ke hote hain black dust mein. Jo iske andar uridospores honge bright orange color ke honge, ye important point hai. Aur iske andar germ pores 3 to 4 milenge germ pores. Teratosurai इसके अंदर lacking होते हैं, teratospores बनेंगे but teratosurai these are the lacking in brown rust. Tilia do not burst, bicelled, teratospores are dull black और इसके teratospores जो होते हैं वो जो yellow rust से different होते हैं कि yellow rust में conical apex मिलेगी जबकि इसके teratospores के अंदर ये जो apex मिलेगी वो जो फ्लैट मिलेगी उसके अंदर कॉनिकल पोर्शन नहीं मिलता इसमें. थैलियोट्रम जिसका अल्टरनेट होस्ट है. तो ये चैप्टर जो है ये कम से कम आपको टीजीटी पीजीटी में तो क्वेश्चन जरूर देगा और नेट में भी इसके प्रोबेबिलिटी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिविल सर्विस में तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डिग्री कॉलेज के लिए भी ये अच्छा टॉपिक बनता है. तो रस्ट क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, हमारे यहाँ की बड़ी कॉमन सिटीज है तो डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो इसको थोड़ा आप सीरियसली से पढ़ें. गुड लक, थैंक यू.